अंतरिक्ष जिसमें सभी सितारे चांद और सूरज है, इसकी कोई सीमा नहीं है। वैज्ञानिक अंतरिक्ष के आकार के बारे में सिर्फ 5% ही बता पाए हैं, बाकी 95% अंतरिक्ष के बारे में वैज्ञानिकों को कोई भी आइडिया नहीं है। इस अंतरिक्ष में बहुत से रहस्य हैं, जिनके बारे में विज्ञान की मदद पता चलती है, लेकिन अभी लाखों ऐसे अंतरिक्ष का रहस्य है जिनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। आज हम इसी वीडियो में अंतरिक्ष के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल रॉकस्टार फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फैक्ट नंबर एक, पृथ्वी से देखने पर सूरज पीले रंग का दिखाई देता है, परंतु अगर आप अंतरिक्ष से सूरज को देखेंगे तो ये सफेद रंग का दिखाई देता है। फैक्ट नंबर दो, एक बार जो चांद पर कदम रख लेता है उसके कदम के निशान कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि निशान खत्म करने के लिए हवा का होना जरूरी होता है, लेकिन चांद पर हवा मौजूद नहीं है। फैक्ट नंबर तीन, अंतरिक्ष में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर से पृथ्वी पर मौजूद 90% से ज्यादा आबादी को वहाँ मौजूद हाई रेजोल्यूशन कैमरे के साथ देखा जा सकता है। फैक्ट नंबर चार, पृथ्वी पर सबसे ऊँचा पर्वत हिमालय है, लेकिन मंगल ग्रह पर मौजूद ओलंपस मोन्स पर्वत पूरे सौर्यमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट का 3 गुना है। फैक्ट नंबर 5, हमारे पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा सूरज है, लेकिन सूरज के अलावा सबसे नजदीक तारा का नाम प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ये पृथ्वी के लगभग 4.239 प्रकाश वर्ष दूर है। फैक्ट नंबर 6, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जिसकी रफ्तार 27,600 किलोमीटर पर हावर है, और यह एक चक्कर सिर्फ 92 मिनट में लगा लेता है। इस स्टेशन पर मौजूद वैज्ञानिक 24 घंटे में 16 सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा देखते हैं। फैक्ट नंबर 7, सौर्य मंडल में मौजूद सभी ग्रह अंधकार कक्षा में सूरज का परिक्रमा लगाते हैं, जो ग्रह सूर्य के नजदीक है वो जल्दी से सूरज का एक परिक्रमा लगाते हैं। फैक्ट नंबर 8, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि रात के समय हमें जो तारों की रोशनी दिखाई देती है, वह रोशनी उन तारों द्वारा लाखों वर्ष पहले छोड़ा गया होता है जो हमारे पास अब पहुंचते हैं, क्योंकि वो तारे हमसे काफी ज्यादा दूरी पर स्थित हैं। फैक्ट नंबर 9, अगर हम बात करें ब्रह्मांड किन चीजों से बना है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 5% ब्रह्मांड ही पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थों से बना है, 20% डार्क मैटर और बाकी के 70% डार्क एनर्जी से बना है। फैक्ट नंबर 10, ब्रह्मांड में मौजूद आकाशगंगा 3 आकार में पाए जाते हैं, अंडाकार, सर्पिलाकार, अनियमित। हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है, जिसका आकार सर्पिलाकार है। फैक्ट नंबर 11, पृथ्वी पर से कोई भी चीज ऊपर फेंकने के बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो फिर नीचे ही आकर गिरती है। अगर किसी चीज को गुरुत्वाकर्षण से बाहर फेंकना हो तो उसे 11.2 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से फेंकनी होगी, फिर वो चीज धरती पर वापस नहीं आएगी। फैक्ट नंबर 12, पृथ्वी के बाद मानव जाति के रहने के लिए मंगल ग्रह ही सौर्य मंडल में सबसे सही जगह माना गया है। फैक्ट नंबर 13, हमारे अपने आकाशगंगा में हर 18वें दिन एक नए तारा का निर्माण होता है, इसके साथ ही हर 16वें मिनट में एक तारा की रोशनी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। फैक्ट नंबर 14, बुध ग्रह पर तापमान में काफी असमानता देखने को मिलता है, वहाँ पर दिन में लगभग 423 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है, वहीं रात में -180 डिग्री सेल्सियस होता है। फैक्ट नंबर 15, मंगल ग्रह पर से सूरज का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि मंगल ग्रह पर पाए जाने वाले गैस बाकी और रंगों को रिफ्लेक्ट कर देती है। फैक्ट नंबर 16, साल 1951 में एक व्यक्ति जापान के टोक्यो शहर में एयरपोर्ट पर पाया गया जो अमेरिका जाना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, साथ ही में उसका पासपोर्ट एक ऐसे देश का था जो इस धरती पर मौजूद ही नहीं है। जब उसे रात भर के लिए लॉकअप में बंद कर दिया गया तो रात में ही वो अचानक से गायब हो गया, जबकि लॉकअप बाहर से बंद ही था। ये अनुमान लगाया जाता है कि वो आदमी एलियन था। फैक्ट नंबर 17, हम जिस पेन का इस्तेमाल करते हैं वो अंतरिक्ष में जाकर काम नहीं करेगा, क्योंकि पेन के चलने में गुरुत्वाकर्षण का बहुत बड़ा रोल होता है। फैक्ट नंबर 18, हमारे सौर्य मंडल से सबसे नजदीक आकाशगंगा का नाम एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो हमारे आकाशगंगा से लगभग 2.537 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है।